इनकम टैक्स की रेड में कांग्रेसी नेता और कारोबारी धीरज साहू और करीबियों के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए कैश मिलने और इस मामले में प्रधानमंत्री के बयान और ट्वीट के बाद सियासी घमासान भी बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में बीजेपी पदाधिकारियों और नेताओं ने डीएम को पत्र सौंपा है। ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के एमएलए विपुल दुबे ने कहा है कि हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। कांग्रेस के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के ठिकानों से 500 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई है। कांग्रेसी और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान का नारा देते हैं, उसी दुकान से भ्रष्टाचार का माल बरामद हुआ है। हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर कड़ी जांच व इस भ्रष्टाचार के विरोध में पत्रक सौंपा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी में 300 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी के बयान और ट्वीट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस और कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन करप्शन के इस नए आरोप में घिरता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आपको बता दें कि छापेमारी में 9 अलमारियां नोटों से भरी पाई गईं और नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 300 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। अभी जो 5 राज्यों का चुनाव था उसमें कांग्रेस के सांसदों के, मंत्रियों के और विधायकों के घर पर 500 करोड़ रुपए की नकदी की उसमें बरामदगी हुई है। और जो कांग्रेस का राहुल गांधी का नारा दिए थे कि मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, तो उस मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का माल रखा हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग प्रत्येक जनपद के जिला मुख्यालय पर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष की अगुवाई में सभी लोगों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने का यह काम चल रहा है। और निश्चित तौर पर देश की जनता ने और 5 राज्यों की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारा है और आने वाले दिनों में पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। भदोही उत्तर प्रदेश से आर के पांडे की रिपोर्ट, नव प्रवाह लाइव।